सरकार धार्य कर तारीख में खोली पारे मंडी केतेबेले प्राकृतिक विपर्यय सहित सरकार मनमुखी कार्य जो चाषी मुंडे पड़ी चड़क एभली घटना कटक सदर ब्लक देखा मिली। सरकार धार्य कर तारीख में चाषी मान पाखक मंडी में धान देवाई मेसेज आसला। दुख परितापर विषय मंडी न खोल चाषी मंडी धान नदेपारी हताश हो फेरला। प्रथम जवाब बात्या प्रभाव मुकु पारि नथिबा बेले जहा किछि धान अमल करथिबा बेले एबे मंडी न खोलिबारु अमल धान को केउठी गच्छित करिबो एही चिंता रे चासी कुळ निराश। जदि सरकार तुरंत मंडी न खोलंती आगामी दिन रे बीजेपी राजरास्ता कोलाइबो बोली चेतावनी दैछि। चंद्र प्रधान कटक जिला बीजेपी उपसभापति। बर्तमान आपण देखंतु आमे कंदरपुर सोसाइटी रे अछु। बर्तमान सुधा कंदरपुर सोसाइटी रे धान खळा भी प्रस्तुत होइनै। चाषी अमल करके प्राय एक मस रु ऊर्ध हम धान अमल कर घरे आनी रखी ता घरे जगह ना रखा को बाहर पकई बहु जगार आम देखी चाषी मैंने बिलरे धान गदा करतमान सुधा राज्य सरकार जहाँ जनापड़ी प्रस्तुत नहांती धान किणवापाई कि आमे सीएसओ सहित जोगाजोग करूँ सी कहते खूब शीघ्र धरा बोली ए स्पष्ट अनुमान हो सरकार एवं मिलर मध्य गोटे मधुचंद्रिका सृष्टि एबे आमे देखुचु विभिन्न चाषी माने छोट छोट चाषी माने दलाल को द्वारा प्रभावित होती। दलाल माने जाई कि गाँव में प्रभावित करुचंती आउ धान मंडी धरा जीव नहीं तुम्हें आमको धान दे दियो बाध्य चाषी काले तार रखिया को घरे जागा नहीं बाध्य चाषी 1200-1300 टंका रे धान बिकुची। सरकार धार्य कर 1940 टंका रे धान धरवापी केन्द्र सरकार जो धार्य कर से धार्य अनुसार कौन सी चाषी को से प्राप्यता मिलूना जहाँफल ये दलाल मैंने मालेमाल होती। कटक जिलार विभिन्न जगार आम पाखक जहाँ तथ्य आसी संपूर्ण जिला जे जोगाण मंत्री अच्छा जिलार आठगड़ आठगड़े भी वर्तमान सुधा मंडी खोल जाए बहुत अत्यंत दुर्भाग्यजनक कथा। आम जिलार जड़े मंत्री थी आम जिले ये अवहेला चाषी प्रति तार जवाब आगामी दिन में चाषी माने जो पंचायत निर्वाचन आज जो घोषणा हो तारीख निश्चित भाव में चाषी तार जवाब ठीक भाव में दबो बालाट रे दबो। मुँ निर्मल कुमार दास साधारण संपादक कटक जिला कृषक मोर्चा। प्रकृत बहुत अवहेला यही वर्ष धान सरकार किणवे बहुत अवहेला कर राज्य सरकार केन्द्र सरकार ये धान किणारे संपूर्ण अर्थ केन्द्र सरकार बहन कर किंतु राज्य सरकार तालटुल नीति एवं राज्य सरकार मिलर मानक मधुचंद्रिका कारण ये पर्यंत सुधा धान मंडी खोली पारा ना ये बाबद गत काली आमे मध्य कृषक मोर्चा राज्य कृषक मोर्चा तरफ एक दाबीपत्र आम सीएसओ दे जिला जोगाण अधिकारी दि जाइए तेणु वर्तमान परिस्थित होची जेहेतु धान किणा जाऊन चाषी धान अमल कर सारे आगामी दिन में वर्षा अच्छी तेणु धान चाषी कौन करना वर्तमान दलाल मानू 1200-1300 टंका मैक्सिमम रेट रे बिक्री कर मिलर पूरा संपुक्त मिलर माने चाहिए यही मान द्वारा धान किणिकी से मालेमाल हे कारण यी पखापाखि जड़े चाषी क्विंटाल पिछा 700-800 टंका पर्यटन क्षति सर हूँ तुरंत मंडी खोला जाऊ तुरंत मंडी खोली धान संग्रह करा जाऊ बाकी जो टोकन एवं किसी टोकन इश्यू से टोकन जो जो अवधि अच्छी बर्तमान जेहतु मंडी खोला तार खूब शीघ्र से अवधि सरीज तेणु से जो टोकन अवधि की बढ़ा जाऊ। कृषिकेश जेना कृषक मोर्चा राज्य उपसभापति। गत 6 तारीख रु आम ये कंदरपुर कृषक सेवा समवाय समिति जो मंडी हुए आमर चाषी मानक मेसेज आसला 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख धान दवापे किंतु आज पर्यंत मंडी खोलला नहीं। चाषी बारंबार समिति की दौड़ बुझुं किंतु समिति की एपर्त कौन सूचना आसी नहीं किए मिलर नब कौद धान धरा हे तार किसी एपर्त सरकार सूचना देना तेणु आम दाबी करूँ तुरंत मंडी खोलू कारण छोट छोट जो चाषी अच्छा से धान अमल कर जो एवर्ष खर्चांत होती अदनिया वर्षा तेणु तर मिलर कर जो दलाल सब अच्छा सी जा पहुँची गलाखे एवं केन्द्र सरकार जो 1940 टंका एवर्ष धान धरियापी कर मंडी में बाध्य 1200-1300 टंका धान बिकाक बाध्य होती तेणु
ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି, MSP ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, 1940 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଧାନ ଉପରେ, ତା'ର ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଉ, ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କନ୍ଦରପୁର FSS ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଛି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ 8 ତାରିଖରୁ ଟୋକନ୍ ଆସିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ କରିବୁ, ମଣ୍ଡି ଓପନ୍ କରିବୁ। 8-9-10 ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯାହାର ଟୋକନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କଟକ ସଦରରୁ ରଶ୍ମି ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।